So now we will start with tools of recombinant DNA technology. तो इस टूल्स में हम लोगों को किस किस जरूरत पड़ेगी, रेस्टोरेशन एंजाइम की, पॉलीमरेज एंजाइम की, लाइगेज की, वेक्टर्स की, होस्ट ऑर्गेनिजम्स की। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो कि कट करता है डीएनए को पर्टिकुलर लोकेशन से, और इसमें सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज था वो था हिम सेकेंड, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस को, और उस सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस 6 बेस पेयर्स की होती है जो हिम सेकेंड रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसको कट करता है। ठीक है, अब इसका नेमी, और हमें ये भी पता चला है कि देर आर 900, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिनको 230 स्ट्रेन से, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। तो अब नेमिंग कन्वेंशन भी है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ईकोर 1। ठीक है, तो ई का मतलब एस्केरेशिया, और CO का मतलब कोला है, एस्केरेशिया कोला है, और R का मतलब होता है स्ट्रेन का नाम, यानी कि स्ट्रेन जिससे वो डिराइव किया गया है। वो स्ट्रेन रफ नेचर में, रफ भी हो सकता है या फिर स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, एंड वन वन का मतलब होता है रोमन, वन रोमन नंबर जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि किस ऑर्डर में उस स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया है। ठीक है, इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, उस स्ट्रेन से किस ऑर्डर में उस एंजाइम को आइसोलेट किया गया, नंबर वन पे, नंबर टू पे, उस बेस पे अलग अलग नेमिंग कन्वेंशंस की जाती है। तो रूल समझ आ गए। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, उससे बिलोंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस से बिलोंग करते हैं, और न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, एक तो एंडो न्यूक्लियस और एक होता है एक्सो न्यूक्लियस। एंडो न्यूक्लियस क्या करते हैं, विद इन द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं डीएनए के, विद इन डीएनए के अंदर से स्पेसिफिक पोजिशन को सर्च करते हैं, फिर वहाँ पे से कट करते हैं। और एक्सो न्यूक्लियस क्या करते हैं, जो एंड्स होते हैं डीएनए के वहाँ से कट करते हैं। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो पहले तो इंस्पेक्ट करेगा, स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो कट करेगा। तो इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस एज वेल डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, पूरी को देखेगा अच्छे से, रिकॉग्नाइज करेगा। देन वंस इट फाइंड्स द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जैसे उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाती है, इट विल बाइंड टू डीएनए, डीएनए को बाइंड करके कट कर देगा। ठीक है, कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। अब डीएनए कट करेगा तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स पे से स्पेसिफिक लोकेशन से उसको कट कर देगा। अब वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, है ना, बैकबोन्स में शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी होती है, हमको पता ही है डीएनए की, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि डीएनए में वो एक ऐसे सीक्वेंस ढूंढेगा जो कि जब हम लोग मान लीजिए 5' टू 3' डायरेक्शन हमने सेलेक्ट कर ली कि हम लोग इसी से रीड करेंगे, इसी फ्रेम में रीड करेंगे, जैसे 5' टू 3', जैसे 5' ये एंड है और ये 3' है। ठीक है, तो ये जो एंड है 5', यहाँ पे क्या आ रहा है, जी ए ए टी टी सी, ये 3'। अगला स्ट्रैंड जो होगा यहाँ पे 5' इधर होगा और 3' इधर होगा, तो इसके 5' से जी आ रहा है, इसके 5' से जी आ रहा है, इसके 5' से ए आ रहा है, इधर से भी ए आ रहा है, फिर ये ए आ रहा है, फिर एक और ए आ रहा है, फिर टी 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 आ रहा है, और फिर सी आ रहा है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो आप लोग कि मतलब एक ही फ्रेम में रीड करना, एक ही डायरेक्शन में, 5' टू 3' मैंने सेलेक्ट कर ली, 5' टू 3' मैंने सेलेक्ट कर ली, ये होगी पैलिंड्रोमिक, यानी कि दोनों साइड से जब कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम आए, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं मलयालम, तो मलयालम को हम लोग इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम ही है, और इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम ही है। सो एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रेड इन बोथ द डायरेक्शन। सो पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। जब रीडिंग फ्रेम सेम रखा जाए, यानी कि अगर 5' टू 3' हमने डायरेक्शन सेलेक्ट की है तो उसी डायरेक्शन में हम लोग रीड करेंगे, तो इधर से जी ए ए टी टी सी, देन फ्रॉम अदर 5' टू 3' द सेम कॉर्ड इज देयर, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज देयर, जी ए ए टी टी सी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ वी रीड इन 3' टू 5' डायरेक्शन, इधर से ले लीजिए 3' टू 5', तो सी टी टी जी ए ए, सिमिलरली सी टी टी जी ए ए जी, सी टी टी ए ए जी, सी टी टी ए ए जी। सो द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा दूर से कट करता है ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन ऑपोजिट न्यूक्लियर ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, ऑपोजिट स्ट्रैंड में सेम सेम बेसिस जो होंगे वहीं से कट करेगा, ठीक है। दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट वन एंड, तो एक एंड पे सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन छूट जाएगा, जैसे कि यहाँ से कट किया अब यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, ओके। सो दिस लीव द सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट वन एंड एंड देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज, तो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज ऐसे हैंग कर रहे होंगे वो, उनको बोलेंगे स्टिकी एंड्स। हर एक स्ट्रैंड पे स्टिकी एंड प्रेजेंट होगी क्योंकि ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज ऑफ दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ए जी, ठीक है, ए टी जी सी इनके बीच में इस तरीके से, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनको स्टिकी एंड्स भी बोला जाता है विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट द काउंटर पार्ट्स। एंड द स्टिकीनेस ऑफ दीज एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, अगर ये स्टिकीनेस है इसी वजह से डीएनए लाइगेज इंपैक्ट कर पाता है और जो कटेड एंड्स हैं उनको लाइगेट कर पाता है। सो द रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए काम आता है, विच आर कम्पोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जीनोम्स हो सकते हैं, वहाँ से डीएनए को कट वो कम्पोज रहते हैं उसमें, ठीक है। मैंने डीएनए मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से डीएनए प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सोर्सेज के डीएनए, व्हेन कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही होना चाहिए जिससे कट कर रहे हैं हम लोग। अगर हमने एक डीएनए को एक जीनोम को अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है तो दूसरा जिसको हमको जोड़ना है उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनाना रिकॉम्बिनेंट बनाना, तो उसको भी सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। सो व्हेन कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव सेम काइंड ऑफ उनके सेम स्टिकी एंड्स होते हैं अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, एंड दीज कैन बी जॉइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, जैसे कि ये फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल और ये है वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड, सो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग द बोथ, फॉरेन को भी सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, वहीं इसको वेक्टर को भी यही डीएनए यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा क्योंकि हमको ऐड करना है ना इस प्लाज्मिड डीएनए में इस फॉरेन डीएनए को, तो लाइगेज क्या करेगा इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लाइगेज ज्वाइन द फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में ज्वाइन करके रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन चुका है अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर इकोलाई की सेल्स में जाके और यहाँ पे ये नई होस्ट बनाएगा, इन नई होस्ट में फॉरेन फॉरेन जीन जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ कॉपी किया हुआ क्लोन किया हुआ प्रेजेंट होगा इनमें। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली द अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डी एन ए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन द रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल, अगर जब तक कोई एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड डी एन ए को और जो डी एन ए हमको रिकम्बिनेंट जो सोर्स डी एन ए है और जो प्लाज्मिड डी एन ए अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करेंगे तो रिकम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं हो पाएगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट्स, अब हम लोग सेपरेशन कैसे करते हैं आइसोलेट कैसे करते हैं डी एन ए फ्रेगमेंट्स को वो देखते हैं। तो कटिंग ऑफ डी एन ए बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए, जब हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू जब हम लोग डी एन ए फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं डी एन ए उसको स्ट्रैंड्स को कट करते हैं तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, देख पा रहे हैं आप ये फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए। सो वैन वी कट द डी एन ए बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट रिजल्ट इन फ्रेगमेंट, टुकड़े टुकड़े अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, एंड दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की मदद से हम लोग इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस द डी एन ए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होती हैं दे आर सेपरेटेड बाई फोर्सिंग दैम टू मूव टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो उनको एनोड की तरफ उनके एनोड की मदद से क्योंकि वो तो नेगेटिवली चार्ज है उनको सेपरेट किया जाता है बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स वो एनोड की तरफ मूव करें अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, एक मीडियम की मदद से एक मैट्रिक्स की मदद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया जाता है, फिर उसमें एनोड और कैथोड दो टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं तो एनोड की तरफ जो है क्योंकि वो डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं उसकी तरफ फोर्स किया जाता है उनको मूव करने के लिए। एंड नाउ मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या हो सकता है मीडियम क्या हो सकता है जिसपे इनको मूव किया करवाया जाता है वो होता है एगेरोस जेल। एगेरोस क्या होता है एक नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स, कुछ
हाँ पानी वाले कुछ फीड्स होते हैं, ठीक है, जो नदी वगैरह समुद्र तालाब में मिलते हैं, इन इनसे पॉलीमर एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं एगरोस। तो वो एक मीडियम होता है, उस मीडियम में इनको मूव करवाया जाता है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। अब सीधी सी बात है, जो सबसे छोटी डीएनए फ्रेगमेंट होगी वो सबसे तेज बढ़ सकती है क्योंकि उसके पास वेट कम है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बड़ी सेगमेंट होगी उसके पास वेट ज्यादा, तो किसी को भागने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे मोटा और पतला आदमी, तो पतला आदमी थोड़ा तेज भाग सकता है एज कम्पेयर टू फैटी वन। और ये हम लोग ये नहीं कहेंगे यहाँ पे कि एनर्जी मैटर कर रही है, हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको लीव कर देता है स्टेमिना को, ठीक है। तो मतलब देखा जाता है ना यूजुअली कि मोटे जनरली कि जो फैटी लोग होते हैं वो थोड़ा जो हैवी होते हैं, हेल्दी ज्यादा होता है, उनसे थोड़ा धीरे ही भागा जाता है। और जो थोड़ा बॉडी फिट होती है थोड़ा स्पीड से चल लेते हैं, वो मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ही आगे तक वो मिलेगा वो सेगमेंट, उतना ही जल्दी वो मूव करेगा, ठीक है। सो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज। अब हम उनको देखेंगे कैसे, तो बाय स्टेनिंग डीएनए विद कंपाउंड एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड एक स्टेनिंग होता है, स्टेन कर सकते हैं उसके थ्रू, एक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, फिर उसके बाद में उस पहले तो उससे स्टेन कर देना है, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को, फिर उसको यूवी रेडिएशन के अंडर देखना है, ठीक है। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए, आप प्योर डीएनए सेगमेंट्स को नहीं देख सकते हो विजिबल लाइट में विदाउट स्टेनिंग, बिना स्टेन के। तो आपको स्टेनिंग करनी ही पड़ेगी, एंड देन यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड, यूवी रेडिएशन डाली जाएंगी इस पर, और फिर आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे डीएनए के इन द एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल, उस जेल में एथिडियम ब्रोमाइड से जो स्टेन हो रखा है उसमें एक्सपोज टू यूवी लाइट, जिस पर यूवी लाइट डाली गई उस जेल में आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आएंगे, वो होंगे डीएनए के बैंड्स, ठीक है। एंड द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट, उन बैंड्स को कट कर लिया जाता है छोटे उस एगेरोस जेल में से, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, उस जेल पीस से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन। दिस स्टेप इज नोन एज एल्यूशन, जिसमें कि हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को उस जेल से, उस जेल पीस से कट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो इन दिस वे द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर प्योरीफाइड एंड आर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरीके से इनको प्योरीफाई कर लिया जाता है और फिर इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज किया जाता है बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स, उनको क्लोन वेक्टर से जोड़ा जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, हर एक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये पता किया गया कि कैसे हम लोग फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, कैसे हम उनको कट करते हैं, उसके सेपरेट करते हैं। तो कट तो करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं। इसमें स्टेनिंग केमिकल का नाम याद रखना, एथिडियम ब्रोमाइड, जिससे कि स्टेन किया जाता है, फिर एक्सपोजर यूवी का डाला जाता है, और मीडियम और मैट्रिक्स एगरोज जेल, एगरोज जेल किसी नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से, ठीक है, वो नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट है। और ये भी याद रखना कि इस प्रोसेस को, लास्ट वाली प्रोसेस को, जिन जिसमें से जेल पीस में से कट कर लिया जाता है इसको डीएनए फ्रेगमेंट को, उसको बोलते हैं एल्यूशन, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये इस चैप्टर से यही इस क्वेश्चंस बनते हैं।